अस्सलाम वालेकुम जी हाँ, मेरा नाम उस्मान है, उस्मान खानी, और मेरे साथ नशे से भर जमा है मीर शहजाद इकबाल सरपदा, और हम बड़े एक जो है ना मज़े की चीज़ आपके साथ शेयर करने वाले हैं। क्या खानी, ये मज़े की चीज़ ये थी? अच्छा, हमने रेडियो प्ले किया है और रेडियो में जो आरजे बोलेगा या बोलेंगी उस पर हम जो है ना रिएक्शंस अपने करेंगे, दिखाएंगे, और मीर साहब अपने जो है ना थॉट्स बताएंगे और मैं अपने, ठीक है? मुझे इम्तिहान में डाल रहे हो पानी में से। अच्छा, ऐसे करते हैं, हसबे इख्तदार और हसबे इख्तलाफ खेलते हैं, ठीक है? ठीक है, नहीं नहीं नहीं, रिएक्शन बच्चा अपना देंगे, कोई अपने कमेंट्स कोई इशू नहीं है। ठीक है, आप अपने कमेंट्स देंगे, मैं अपने, ठीक है? लेकिन मैं तुम्हें काउंटर करूंगा पानी देख। आ जाए आरजी साहब, आ जाए, या आरजी साहब जो भी है। एक रेडियो हमने रेडियो स्टेशन ट्यून किया है, देखते हैं। नाम नहीं करना स्टेशन का, क्यों? कमर्शियल में आएगा। हाँ, तो तुम जो भी करते हो वो कमर्शियल में वायरल हो जाए, फिर किसी को क्यों फायदा देना मुफ्त में? नहीं, गरीबों को देना चाहिए। अच्छा, देना, ठीक। तो इस टाइम पे हम सुने रेडियो, क्या हो गया, मैसेजेस आ रहे हैं। वाह, कहते हैं आप वो हो गए, डिहाइड्रेट हो गए। थैंक यू बाजी, हमको पता है 7 बज गए ब्रेक के बाद। ये ब्रेक बहुत ज्यादा नहीं देते हैं, पता है असल में क्या है, चलता ही ऐसी ब्रेक पे। रेडियो स्टेशन कमाते हैं कमर्शियल्स में, और कमर्शियल्स जो है ना तब इनको मिलते हैं जब आप टाइम टू टाइम ब्रेक चलाते हैं। रेगुलर प्रोग्राम लोग बोलेंगे यार, प्रोग्राम सुनने का क्या मतलब है, उनको भी स्पेस चाहिए, ब्रेक चाहिए उनको भी, तो इसलिए कमर्शियल बीच बीच में चला देते हैं ना। अच्छा, हाँ जी, क्या चल रहा है? ओके जी, ओके जी, ओके जी, और सुनो आप लोग, हम दोनों को है ना। ये बात मैंने काफी देर से इंतजार कर रहा था। आगे ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, और आते हैं हम लोग अपने मैसेज की तरफ, क्योंकि हमारा आज टॉपिक है थोड़ा सीरियस। तो अल्लाह जानता है हमने अभी तक कोई मैसेज नहीं किया, हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं है कि हम इनको मैसेज करें। टॉपिक तो सुने दो ना। मैसेज है वसीम का कोयटा से, मेरे ख्याल से आप पहली बार हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, तो सबसे पहले वेलकम वसीम, और अगर आप पहली बार नहीं सुन रहे हैं फिर भी वेलकम वसीम। और वसीम कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, मतलब अगर आप सुन रहे हैं तब भी वेलकम, नहीं सुन रहे हैं दुर्फिटे में तब भी वेलकम। बहुत सुन रहे तो वेलकम कैसे टॉपिक पे, क्योंकि कल आजादी कम आजादी ज्यादा थी। सही कह रहे, क्या बात कर, वाह। तो इस बारे में आपके विशेष क्या बोलते हैं, मेरे क्या बोलते हैं यार, जो मेहरबान और जो मेरे मेहरबान ख्याल आते हैं, तो वो इस बारे में बहुत ही पॉजिटिव है। बिल्कुल सही कह रही है, अजाब अजाब बना दिया है वैसे आजादी को लोगों ने। आजाद होने का मतलब ये नहीं है कि किसी और के ऊपर आप अपना जो जो भी गंद है वो डालते हैं, तंग करते हैं, बजाते हैं यार, ये बड़ा गलत काम है ना। कि ना मोहतरम जनाब हजरत कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने ये बताया कि आप आजाद है तो बाजा बजाएं, लोगों को तंग करें ना, जो लोगों ने जिनकी कंट्रीब्यूशन है ना उन्होंने बताया, ये मुमलिकत इस्लाम के नाम पे बना, तो इस्लाम के तर्ज अमल पे में चलना चाहिए था, लेकिन कोई भी ये फिक्र लिए नहीं चल रहा, लोगों को तंग करना, पानी फेंकना, स्प्रे करना, फैमिलीज को तंग करना, व्हाट वाज दैट? ये तो बहुत बड़ी इम्प्रेशन क्या है लोगों ने। हालांकि डीसी साहब ने बड़ा नोटिफिकेशन वाजे किया था, लेकिन इस पर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। अच्छा, कुछ और कह रहे हैं, हंसना भी चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल से जैसे कुछ ऐसा हो गया हंसना भी चाहिए, क्योंकि अगर आपके साथ लोग करते हैं तो शायद वो लोग ये चीज कभी फील ना करें कि इंसान को कितनी ये चीज बुरी लगती है। और मेरे ख्याल से आई डोंट थिंक सो उसने वो मिट्टी वाला उसको बुरा लगा होगा, वो उसने वो भी एंजॉय कर दिया होगा, क्योंकि जिसके लिए फन है तो वो हर तरीके से फिर इस चीज को फन ही लेते हैं। मेरा नाम आ गया, थैंक यू थैंक यू सर, उन्होंने फन का पानी लेते हैं, तुम भी तो किसी फन से कम नहीं हो। जिस तरीके से खुशियां मनाते हैं उनके लिए वो भी ओके होता है, उनको मिट्टी में गया है, उनको कीचड़ में गया है, दैट डजंट, तो फर्क नहीं पड़ता किसी को मिट्टी में गिरा के, मैं तुम्हें मिट्टी में गिराऊं तुम्हें फर्क पड़ता है नहीं। मैं इधर बुलेटियां मारना शुरू हो जाऊंगा, मुझे मैंने ऐसी कौन सी गुनाह कर दी आपने मुझे मिट्टी में फेंकने, तो क्या फन है, फन के नाम पे तो मैं गिरा सकता हूँ। मैंने साफ सुथरे कपड़े हैं ना, मुझे
अजीब लगेगा। और हमारा नेक्स्ट मैसेज है कि आरजे आपका टॉपिक तो अच्छा है, मैंने भी यही कहना है कि आप खुशी मनाओ बल्कि जश्न मनाओ, पर आपकी वजह से किसी और को भी तकलीफ। सही बात कही है कि अपनी आज़ादी मनाइए, अपना जश्न मनाइए, अपना इवेंट मनाइए जितनी खुशी खुशी से आप मना सकते हैं। जैसे कि आई डोंट माइंड, आई गेस बोलान में इन लोगों ने काफ़ी बड़ी सेलिब्रेशन की, वहाँ पे अतन कर रहे थे, तो आई डोंट माइंड। एक वो ऐसी जगह है जहाँ पे आप अतन कर सकते हैं, मतलब अतन मैं मानती हूँ कि एक ट्रेडिशनल चीज़ है और मुझे वो बुरा नहीं लगता। अगर बेशक वो रोड पे अतन भी कर रहे होते हैं, गाड़ी रोकी है, उस पे सॉन्ग लगाया है या डैक लगाया है, लेकिन उस जगह पे अतन जहाँ पे किसी ने ट्रैफिक को ना रोका हो। मैं खुद पठान हूँ, मैं अतन की शौकीन हूँ, तो मुझे बुरा नहीं लगता अगर कोई भी पर अपने दायरे में करें ना। किसी को आज़ाद करना ना हमें इस्लाम इजाज़त देता है, ना हमारी ट्रेडिशन, ना हमारा कल्चर कहता है किसी को आप तकलीफ दे। भाई आप रोड पे क्यों कर रहे हैं, किसी को तकलीफ दे, आपको साइड पे जाके किसी मैदानी में करो। लोगों को बता रहे हैं कि हम खुश हैं, हम आज़ाद। आप खुश हैं तो आप साइड पे करें ना। आप खुश हैं, हो सकता है किसी की फुर्न जा रही हो, किसी का जनाजा जा रहा हो, आप अदर कर रहे हैं। इसके अलावा कोई आप दिल के अंदर कोई सैड है या कोई गम में है, कोई भी मतलब फॉर एग्जांपल किसी को तकलीफ हो रही है किसी भी आपकी रवैये से, बात से या हरकत से, तो वो आपके लिए फन हो सकता है, उसके लिए तो मुसीबत है, उसके लिए दिल आज़ारी है। पॉइंट तो दिल आज़ारी ना इस्लाम में जायज़ है, ना कि हमारे कल्चर में, ना हमारे नॉर्म्स में, ना हमारे वैल्यूज़ में। मुझे तो ये लगता है भाई, तुम क्या? अच्छा, इस चीज़ को जो है ना आप लोगों ने भी बारीकी से देखना है। अमीर साहब ने अच्छी बात कही कि अपनी खुशी की खातिर किसी और को आप देना अजाब नहीं दें, तो अच्छी बात है। बट ये कि वो लोग खुशियाँ बांट रहे हैं, मैं तो ये कहूँगा खुशियाँ बांटना बांटना मेरी किसी मनाना वजह से अगर कोई गमजदा है शख्स जो है ना, कोई मायूस सैड शख्स जो है ना अगर खुश हो जाता है, उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है, तो आई थिंक मैं अचीवमेंट है बड़ी। हाँ देखो ना, ये रोड बंद ब्लॉक करना कौन सी, आप अपनी खुशी मना रहे हो उसके लिए ब्लॉक है ना। उसको कहीं जाना हो, वो स्ट्रक हो जाए रोड पे, आप किसी भी पानी पैंक हो, आप तो खुश हैं, खुशी से मना रहे हैं, किसी के ऊपर स्प्रे कर लो, किसी को कुछ भी, किसी के शीशे तोड़ दो, ये बुरी बात है। लेकिन दादा इसे अगवा लाख किसाना से जैसे सेलिब्रेशन जो कि जैसे इवेंट्स हो गए थे, उसके बाद में नोटिस राजी दिन खलग राजी दिन पुलिस वाला वाला भी, अगर बावजूद ये सुखदार कतो सब बाज ना राजी मावे दिल्ली से ददे वाला लिशकम हालात खराब हो पिछली बार सा, लेकिन ब्याह हम हालात हो ऊ ना जवाब दा हालात जोड़ ही बने। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने बड़ा पॉजिटिव इनिशिएटिव लिया था, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन इतना नहीं हुआ। फिर भी इन्हें चाहिए था कि 10 से 15 रोज़ ये इम्प्लीमेंटेशन को, जो स्क्वाड वगैरह है, जो प्रोटोकॉल जो इनकी है। अच्छा, नफरी कितनी तैनात थी कोटा में, कुछ आइडिया है आपको? नफरी तो थी तैनात, देखो आपको चेक भी कर रहे थे, आपको देख भी रहे थे, आपको स्टॉप भी कर रहे थे, आपकी चेकिंग भी हो रही थी, लेकिन जो जिन चीज़ों पे उन्होंने पाबंदी लगाई हुई थी, बैन किया हुआ था, तो वो बैन थे, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन इतनी नहीं थी। मैं तो नहीं निकला, आई डोंट नो, लेकिन तुम निकले होंगे। मैं निकला, बल्कि दो चार इवेंट्स भी मैंने कल अटेंड किए और मैंने देखा काफ़ी जगहों पे जो है ना वो वही जो ये बम्पू बजाने वाला रिवाज था, रिवायत के हिसाब से बरकरार चल रहा था, और टमाटर फेंके जा रहे थे। इवन मुझे टमाटर लगे और मैंने व्हाइट कलर की जो है ना, तुम्हें तो लगने चाहिए इसमें मुझे खुशी। मतलब मैंने ऐसा क्या किया था कि आपको खुशी हो रही है? मुझे ये मेरी दिली खुशी है कि दिली ख्वाहिश है। आज इस सॉन्ग के लिए इतना बड़ा थैंक्स, आज कहते हैं कि आज कोई ऐसा फॉर्मूला बताओ कि मैं फनी से सीरियस इंसान बन जाऊं। मैं जानते सीरियस बनने की जरूरत नहीं है, बल्कि मैं बोलती हूँ कि जिस तरीके से आप सीरियस सिचुएशंस को भी ह्यूमर के साथ डील करते हो, वो एक बहुत ही अच्छी चीज़ है आजकल के दौर में। मैं बहुत सीखना चाहती हूँ कि मैं किस तरीके से सीरियस सिचुएशंस को भी ह्यूमरली उसको डील करूँ, उसको हैंडल करूँ, जो कि मुझे नहीं आता। क्योंकि यार मैंने कोशिश की, यार जी आप सुन रहे हैं, नहीं हम आपको सुन रहे हैं, वो कह रही है सेंस ऑफ ह्यूमर एक अलग चीज है, टॉपिक्स जो सीरियस होते हैं और फनी मजाक करना और मस्करा करना, दोनों में डिफरेंस है। किसी चीज को, किसी सिचुएशन को ह्यूमर के साथ, सेंस ऑफ ह्यूमर के साथ डील करना, वो अलग क्वालिटी है। ये कहना सो सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए इंसान में। मतलब मैं नो बेटा तुम में तो माइंड है,
अल्लाह मियां जब बांट रहे थे तो फिर मैं इवेंट्स के लिए, तुम तो कहते हो ना मैं जन्नत में, आई डू नॉट हैव माइंड टू माइंड, मेरे पास दिमाग नहीं कि मैं माइंड करूं। ओके, तो सबसे पहले तो वेलकम नाइला हमारे शो में, मैसेज करने के लिए टाइम ज्यादा हो रहा है तो हम इसको यहीं पे वाइंड अप करते हैं। चलिए जी, हम अपने मीलों को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। 10 मिनट 21 सेकंड हो चुके हैं और हम इसे फिक्स 11 मिनट पे जो है एंड करेंगे। हमें कुछ भी नहीं चाहिए, अल्लाह जानते हैं, सब कुछ अल्लाह पाक ने दिया है। सिर्फ आप लोगों की जो ये डिजिटल लाइक्स हैं और सब्सक्राइब्स हैं, कमेंट्स हैं और शेयर्स हैं, ये हमें चाहिए। और आप लोगों का राय सबसे ज्यादा है ना। चले, ओपनिंग मैंने दी थी, एंडिंग जो है ना आप देंगे। मेरे साथ 15 सेकंड है। सुना साहब, देखने और सुनने वालों का बहुत शुक्रिया। अपने पॉजिटिव कमेंट से जरूर आगा कीजिएगा। थैंक यू।